बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इया कनाबदो वैया कनस्तईन। फिजादिशान सरीना आपकी पूरी टीम को इस शानदार वेमेन कन्वेंशन के ऊपर मुबारकबाद पेश करना। मेरी बहनों, मेरी बेटियों और हमारे वर्कर्स, मैं इस बात का एहसास रखते हुए कि चंद लम्हे हैं, उसके बाद हम सबका लीडर, हम सबकी जान इमरान खान, पाकिस्तान का कप्तान, उसका है हमें इंतजार। लेकिन सबसे पहली बात, ख्वातीन तहरीक इंसाफ अगर बनाई गई है तो जुल्म के खिलाफ बनाई गई थी, और इस माशरे में अगर जुल्म गरीब के बाद किसी एक तबके के साथ है वो ख्वातीन, तो ये तहरीक इंसाफ जो कि लफ्ज जुल्म की जिद है, इसका सबसे बड़ा मकसद गुर्बत को हटाने के बाद ख्वातीन को उनके हकूक दिलाना। ख्वातीन, इस मुल्क की बेटियां रोजे अव्वल से उनके ऊपर जुल्म होता है। तालीम, लड़कों के बराबर मौके नहीं मिलते। जब वक्त शादी का आता है तो लड़के वाले जुल्म करके जहेज मांगते हैं। जब नौकरी का वक्त आता है तो उनको बराबर की तनख्वाह नहीं दी जाती। जब वो काम करने पहुंचती हैं तो उनके साथ बहुत सारी जगहों पे नाइंसाफी होती है। इस माशरे में मेरी बेटियों को कई जगहों पे उनके जायदाद में हक नहीं मिलता। इतने जुल्म है, जिनको गिनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। इसका हल ये है, जो आप आज यहां जमा हुई हैं, आपको सियासत में आना होगा, आपको अपने वजूद का एहसास दिलाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। और जब आपके पास एक ऐसा कायद हो जो इस बात पे यकीन रखता हो कि ख्वातीन को माशरे में उनका जायज मकाम दिला के रहूंगा, तो आपको डर किस बात का। आइए तरीके इंसाफ में अपना किरदार अदा कीजिए, इंसाफ की इस जद्दोजहद में अपना किरदार अदा कीजिए, अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए आप इंसाफ लेके रहिए। मांगिए नहीं, आपको इस जद्दोजहद का हरावल दस्ता बन के अपने हकूक लेने हैं। आज का यही पैगाम है, आप सबको आगे बढ़ना है, आप सबको तहरीक इंसाफ में आके अपने लिए इंसाफ लेके रहना है। आपकी तवज्जो का बेहद शुक्रिया।